Hello everyone, dear children, as you know, your revision work is going on. Okay children, आज के revision work में हम ये exercise करेंगे. चित्र पहचान कर नाम लिखिए, चित्र पहचान कर नाम लिखिए. और तो मैम ने सब करा दिया है, ये exercise बची थी. Okay children, छोटी ई की मात्रा तक जितनी भी exercise हैं या fill-ups हैं, ठीक है, वो सभी कुछ आ सकता है. ये नहीं है कि स्पेशली ये क्वेश्चन आएगा या ये आएगा, जितना भी मैम ने कॉपी में वर्क कराया है कुछ भी आ सकता है. देखिए, चित्र पहचान कर नाम लिखिए. ई काय की पिक्चर है, चिड़िया काय की, तो ई की मात्रा है ये ची, चौमे ई की मात्रा जोड़ी चिड़ी, री या चिड़िया. ये लिखने की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है. ई काय की है, किताब. अब तो इतना आ ही गया होगा ना, तो इसमें मात्रा लगानी है किताब, किताब. नेक्स्ट नारियल, नारियल, नारियल. फिर है ये साइकिल, दिख रही है ना सबको साइकिल. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है बनियान. बनियान की पिक्चर को नी या नो, बनियान. नेक्स्ट लाइन ये क्या है, सभी गाड़ी में व्हीकल में पहिया होता है ना, पहिया. हमें इसकी मात्रा लगेगी या पहिया, पहिया. ये क्या है, बारिश. बच्चों इसमें आपको ध्यान देना है, अगर ये बूंदे नहीं होंगी तो ये क्या आ जाएगा पिक्चर्स नेम में, बादल. ओके, क्या आ जाएगा, बादल. और इसमें से बूंदे गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, बारिश. आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये पिक्चर कैसी है, बूंदों वाली है या खाली बादल की. बारिश, बारिश. यहाँ पे तो आपका ई की मात्रा का लेशन है, तो आपको पता चल गया ये बारिश है ना, और बूंदे भी हैं. सपोज मिक्स करके दे दिए और बूंदे नहीं हैं, आप बादल को बारिश लिख रहे हैं तो वो गलत, और बारिश है और आप उसको बादल लिख रहे हैं वो भी गलत. तो ध्यान दीजिएगा, जब बादल से बूंदे गिरेंगी तो वो बारिश, और बूंदे नहीं हैं सिर्फ बादल है तो बादल. ओके, किसान, किसान खेत में काम करते हैं ना, ये पिक्चर किसकी है, किसानों, किसान. ये क्या है, सितार. सौ पे ई की मात्रा, तारो, सितार. ये क्या है, ऋषि. ऋषि ऋषि, अभी तक आपने ऋषि ऋषि ये पढ़ा, ठीक है, स्पेलिंग ऐसे होगी. सौ से षटकोण में ई की मात्रा लग जाएगी, ऋषि. ओके चिल्ड्रन, इनको लिखने की खुद प्रैक्टिस करेंगे. चिड़िया, किताब, नारियल, साइकिल, बनियान, पहिया, बारिश, किसान, सितार, ऋषि. ठीक है, आपकी बुक में बहुत कम पिक्चर हैं, इसलिए मैम आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही क्रम में लिखो. वो वन था, ये टू. सही क्रम में लिखो. सब बच्चे ध्यान से देखेंगे मैम क्या लिखवा रही है. ये जोड़कर लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है. अब हमारा यूकेजी में जोड़कर लिखने वाले क्वेश्चन सिर्फ मात्राओं के ही आएंगे. ओके, ये आपने एलकेजी में पढ़ा. कभी आप ये गलती ना कर बैठे कि श, ल, क, सलक लिख दिया, प्लस हटा दिए. नो, यहाँ पढ़िएगा कि नोट क्या है. सही क्रम में लिखो. सही क्रम में लिखो का मतलब श, ल, क, सलक नहीं है. कैसे है, इसको आप पढ़ के पहले मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे फिर लिखेंगे. क, ल, श, ये एक मीनिंगफुल अर्थ वाला शब्द बन गया है. शो. गलत करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. ऐसे ही मो को लो है, तो इसको भी मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए क्या हो जाएगा, को मो लो, को मो लो. ठीक है बेटा, लो मो हो, इसको मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे, मो हो लो, प्लस तो सबके हट जाएंगे, मो हो लो. अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको हर क्लास में चेंज मिलेगा. यूकेजी के बच्चे हैं तो आपको
अपने दिमाग से ये सही लिखना होगा। लो ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं सीधे इधर का उल्टा कर लिया, जैसे क ल श पल स ल क म ल क में, नहीं कुछ तो ऐसे ही होंगे और कुछ घुमा फिरा के होंगे। ह द श श ह द है ना, इतना तो आप पहचान ही सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ख ब त ब त ख र न न ख र। बस आप इसको ध्यान से देखिए कि ऊपर क्या लिखा है। जैसे आपका बुक में भी दिया है, मैंने लिखा है क्रम में लिखो, लेकिन तैयारी तो आप इससे भी कर सकते हैं ना कि नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर उचित शब्द बनाइए। बुक तो आपके पास रहेगी, बुक से आप देख के समझ सकते हैं, फिर आंसर शीट पे कीजिए। श ल को गलत है, क ल श प्लस ठीक है, म क ल मकल गलत है, क म ल कमल ठीक है, ल म ह म ह ल, श ह द शहर ठीक है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा कराए हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कराए हैं। ओके चिल्ड्रन, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमारा क्या था, सही क्रम में लिखो ठीक। इसमें है मिलाकर लिखो, नीचे आप देखेंगे कैसे मिलाना है। अभी मैंने आपको बताया था यूकेजी में जो भी मिलाकर लिखो या जोड़कर लिखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मात्राओं वाले। 9 प्लस हटा आपकी मात्रा लगी वो, नाउ क्या हो गया, नाउ ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आपको ध्यान से अपने पेरेंट्स की हेल्प से समझना है। क प्लस हट गया आ रो, कार, फिर नेक्स्ट छ आका डंडा, तो आका डंडा ता छाता, क म ल आका डंडा कमला। बहुत केयरफुली देखना है, ये ई की मात्रा का है धनिया। अब ये आपके मिक्स रूप से भी आ सकते हैं ना, कोर्स कहाँ तक है, ई की मात्रा तक, तो उसमें आ और ई के मिक्स भी आ सकते हैं ठीक है। आपको केयरफुली ये चीज़ देखनी है कि कौन सी मात्रा कहाँ दी है। ध ई की मात्रा 9 से जुड़ी, य आ धनिया ठीक है, नाव कार छाता कमला धनिया। ओके बेटा, आज इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे। कल मैं आपको फॉर्मेट पेपर बता दूंगी कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको किस तरह से करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।